कहानी श्रुतियों में दिखाया जाता है कि एक हस्बैंड वाइफ बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि गाय और प्रिस्का तलाक के दौर से गुजर रहे होते हैं। उन दोनों में रोज लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, इसलिए वो दोनों सोचते हैं कि अब उन्हें तलाक ले लेनी चाहिए। उनके दो बच्चे होते हैं मेडॉस और ट्रेट। वे दोनों सोचते हैं कि उन दोनों को ये बुरी खबर सुनाने से पहले एक बार उन दोनों को एक फैमिली टूर करवा देना चाहिए, और वो फैमिली छुट्टी मनाने के लिए एक रिसोर्ट पे चले जाते हैं। प्रिस्का की तबीयत पहले से ही कुछ ठीक नहीं होती, इसलिए होटल वाले प्रिस्का को कुछ दवाइयां देते हैं खाने के लिए। इसके बाद वो दोनों बच्चे मेडॉस और ट्रेट होटल मैनेजर के भतीजे इदलिप से मिलते हैं और वो तीनों आपस में खूब खेलते हैं। शाम को रूम में गाय और प्रिस्का आपस में बहुत तेज तेज लड़ रहे होते हैं और दोनों बच्चे होटल कमरे के बाहर ये सब सुन रहे होते हैं। अगले दिन सुबह में होटल मैनेजर का भतीजा इदलिप और वो दोनों बच्चे आपस में कोडिंग डिकोडिंग खेल रहे होते हैं, तो इदलिप उसे अजीब सा इग्नोर बनाकर दे देता है। और बाद में मैनेजर अपने भतीजे को वहां से ले जाता है, पूरी फैमिली को बोलता है कि उन सबको एक नया टापू दिखाएगा जहां पर कोई भी नहीं आता जाता और वहां पे वो पूरी फैमिली अपनी छुट्टियां एंजॉय कर सकती हैं। गाय और प्रिस्का इस चीज के लिए राजी हो जाते हैं क्योंकि सोचते हैं कि इस तरीके से वो ज्यादा अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम बिता सकेंगे। जब वो वहां से जाने के लिए बस में बैठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक फैमिली और उनके साथ जा रही है, जिसमें एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, एक छोटी बच्ची होती है और एक बूढ़ी माँ होती है। और वो लोग वहां से उस टापू के लिए रवाना हो जाते हैं। जब वो लोग उस टापू पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी उस टापू पर पहले से ही बैठा था, वो किसी का वेट कर रहा होता है। और वो लोग अपना टेंट वेंट लगा के वहां पे एंजॉय करने लगते हैं और बच्चे समुद्र में जाकर खेलने लगते हैं। खेलते वक्त ट्रेट को पानी में बहती हुई एक लाश दिख जाती है, वो डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लोग उस लाश को निकालते हैं, किनारे पर जाकर देखते हैं, वो एक लेडीज की लाश होती है। जो आदमी उस टापू पर पहले से ही था, जो किसी का वेट कर रहा था, वो लाश उसी के दोस्त की होती है। और सबको लगता है कि उस लड़की को मार कर इसने पानी में डाल दिया था और ये यहाँ पे आके बैठ गया था क्योंकि इसके नाक से भी खून निकल रहा था। और वो बोलता रहता है कि उसे कुछ नहीं पता, उसने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ तैरने गई थी पानी में और जब भी वो यहाँ पे उसका वेट कर रहा था। तभी गाय बोलता है कि पुलिस को बुलाना चाहिए, तो वो फोन निकालता है तो फोन में कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा था, किसी के फोन में सिग्नल नहीं आ रहे होते हैं। जैसे ही वो लोग पुलिस को बुलाने के लिए वहाँ जा रहे होते हैं, तभी देखते हैं कि एक और फैमिली वहाँ पे आ चुकी होती है। जैसे ही वो लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं तो मगर वो वहाँ से नहीं निकल पाते, उन्हें चक्कर आने लगते हैं। वो अपने आप ही जब उनकी आँख खुलती है तो वो तट पे वापस पहुँच जाते हैं और अचानक से उस बूढ़ी औरत की बहुत ज्यादा तबीयत खराब होने लगती है। उसका बेटा वहाँ पे आता है, फिर वो अचानक से एक दो मिनट के लिए ठीक होती है और फिर बाद में फिर मर जाती है। सारे लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनके साथ हो क्या रहा है। जब वो लोग लड़की की लाश के पास जाकर उसका कपड़ा उठाते हैं तो देखते हैं कि वो पूरी लाश पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, वहाँ पे सिर्फ हड्डियां ही थोड़ी बहुत बची हैं। वो लोग बोलते हैं कि बॉडी को पूरी तरीके से खत्म होने में कई साल लग जाते हैं, इस लाश को तो सिर्फ 2-3 घंटे हुए हैं। उन लोगों को शक हो जाता है, उन लोगों को लगता है कि इस टापू पर टाइम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगर इस लाश के हिसाब से टाइम निकाले तो 1 घंटे में 2 साल बीत रहे हैं। तभी चार्ल्स उस लड़के के चाकू मार देता है, वो तो देखता है कि उसका जख्म अपने आप ठीक हो गया। सारे लोग और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। प्रिस्का बोलती है इस तरीके से वो ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। प्रिस्का अपना सच सबको बता देती है कि उसे कैंसर है उसके पेट में। दूसरी तरफ ट्रेंट में चार्ल्स उसकी बेटी होते हैं अचानक से बहुत ज्यादा बड़े हो चुके होते हैं, सब उन्हें देख के बहुत हैरान होते हैं। यहाँ तक कि गाय और प्रिस्का भी अपने बच्चों को नहीं पहचान पा रही थी। और जब वो टेंट में होते हैं तो वो एक दूसरे की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित होने लगते हैं और अचानक से प्रिस्का बेहोश हो जाती है और उसका उम्र धीरे धीरे बॉल के बराबर आका ले लेता है। चार्ल्स एक डॉक्टर होता है, वो बोलता है कि वो उसे निकाल सकता है मगर इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है और गाय हमें भर देता है ऑपरेशन के लिए। जैसे ही प्रिस्का का ऑपरेशन होता है तो उसका ट्यूमर एक खरबूजे जैसा आकार ले लेता है। जैसे ही वो अपना होश संभाल के सब कुछ ठीक हो रहा हो, चार्ल्स की बेटी प्रेग्नेंट हो चुकी होती है। डैड चार्ल्स की बेटी कैरा दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उनका शरीर टाइम के हिसाब से बहुत तेजी से बढ़ रहा था मगर उनकी सोच अभी भी वैसी ही थी। जैसे ही कारा बच्चे को जन्म देती है तो वो बच्चा वहीं पे मर जाता है क्योंकि वो इतनी तेजी से बीतते हुए टाइम में जिंदा नहीं रह सकता। और फिर से वो लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं मगर फिर से असफल होते हैं। वहां पर रास्ता खोजने के लिए तलाश करने लगते हैं, तब उन्हें एक वहां पे नोटबुक मिलती है। उस टापू पर आ चुके सभी लोगों के नाम और पता लिखे होते हैं कि वहाँ पे कितने लोग आ चुके हैं मगर वहाँ से अभी तक कोई भी बच के नहीं निकला। दूसरी तरफ चार्ल्स अपना मानसिक संतुलन खो चुका होता है, वो पूरी तरह पागल हो चुका होता है, तो उसी आदमी को वहाँ पे मार देता है। और वहाँ पे चार्ल्स की पत्नी घबरा कर एक जगह पे छुप जाती है और वो दूसरे हस्बैंड वाइफ गाय प्रिस्का चार्ल्स के हाथ से चाकू निकाल लेते हैं। दूसरे हस्बैंड वाइफ में एक आदमी बोलता है कि वो इस टापू से तैरते हुए बाहर निकलेगा, हो सकता है वो पानी से तैरते हुए निकल जाए और बच जाए, और वो आदमी भी मर जाता है, उसकी लाश भी तैरते हुए किनारे तक आ जाती है।
फिर उसकी वाइफ की भी दौरे पड़ने से मौत हो जाती है। कारा रास्ता ढूंढने के चक्कर में एक पहाड़ी पे चढ़ने लगती है और वो ऊपर से नीचे गिर जाती है और वहीं पे मर जाती है। शाम होते होते बहुत ज्यादा टाइम बीत चुका होता है। गाय अब उसकी आंखें की रोशनी धीरे धीरे खत्म हो रही थी और प्रिस्का की अब सुनने की शक्ति भी धीरे धीरे खत्म हो रही थी। अब वो दोनों पूरी तरह से बूढ़े होने लगे थे। तब उनपे चार्ल्स हमला कर देता है और वो दोनों वहाँ पे चार्ल्स को मार देते हैं। जब तक टेड और मेडॉस उससे बचने के लिए गुफा में जाते हैं तो वो देखते हैं कि चार्ल्स की पत्नी वहाँ पे होती है और पूरी तरीके से वो बूढ़ी हो चुकी होती है और उसकी पीठी पर एक उबड़ आ जाता है उम्र के साथ साथ। जैसे ही चार्ल्स की पत्नी उन्हें पकड़ती है तो उसका एक हाथ टूट जाता है, मगर टाइम तो इतनी तेजी बीत रहा था। जैसे ही वो टूटता है तो तभी वो जुड़ जाता है और जैसे ही शेप में होता है तो हड्डी टूटती रहती है और बार बार जुड़ती रहती है। इस तरह से उसका पूरा शरीर टूट टूट के उल्टी तरीके से जुड़ जाता है और वहाँ पे मर जाती है। जब रात हो जाती है तो गाय प्रिस्का उनके दोनों बच्चे साथ में बैठे होते हैं, तभी गाय बूढ़ा होने के कारण मर जाता है और फिर प्रिस्का भी मर जाती है। सुबह होते ही वो दोनों बहन भाई आपस में बोलते हैं कि उन्हें भी आखिरी बार दोबारा यहाँ से निकलने के लिए ट्राई करना चाहिए क्योंकि उनके पास भी अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। जैसे ही टेड अपना सामान चेक करता है तो उसे वही लेटर दिखता है। उसे वहाँ पे एक नोट दिखता है जो उसे इदलिब ने दिया था खेलते समय। जब वो उस कोड को डिकोड करता है तो जिसमें लिखा होता है कि समुद्र के अंदर से एक रास्ता उस टापू से निकलने का होता है, वो एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसपे कोई भी इंसान आराम से वहाँ से आ जा सकता है बिना बेहोश हुए। और टेड जब पहाड़ी पे देखता है तो देखता है कि पहाड़ी पे से कोई उन लोगों को शूट कर रहा है। वो उसी रिजॉर्ट मैनेजर के लोग होते हैं जो पहाड़ी के ऊपर से उन लोगों को शूट कर रहा था, उनकी वीडियो बना रहा था। दोनों बहन भाई उस समुद्री रास्ते से वहां से निकल जाते हैं और जब रिजॉर्ट में दिखाया जाता है तो रिजॉर्ट के अंदर कई तरीके की दवाइयां बनाई जाती हैं, इसलिए वो कुछ लोगों को उस टापू पर छोड़ा कर देते हैं टेस्ट करने के लिए। और टेड और मेडॉस वहां पे पहुंच जाते हैं और पुलिस वाले को वो डायरी दे देते हैं जिसपे सबके नाम और एड्रेस लिखे होते हैं और वो पूरा पूरा सच उस पुलिस वाले को बता देते हैं। और जब पुलिस वाला उस डायरी में लिखे हुए नाम और एड्रेस को पता करता है कि वहाँ के लोग क्या मिसिंग हैं तो सारे मिस होते हैं और उस रिजॉर्ट में पुलिस आ जाती है और मैनेजर को पकड़ लेती है और उनका वहाँ पे पूरा भांडा फूट जाता है। और टेड और मेडॉस अब वहाँ से सीधा अपने चाची के घर चले आते हैं रहने के लिए और मूवी वहीं पे खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बराबर में घंटे वाले बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको पता चल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।